दोस्तों, टेक्सास प्रो का रिज़ल्ट आ गया है। इस वाले कंपटीशन से बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग के फ़ैन्स और मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं कि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगा, और ये कंपटीशन अमेजिंग हुआ भी। लेकिन इसमें सबसे एक डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे हुई, और शायद आप लोगों को भी होगी ये वीडियो देखने के बाद, कि इस कॉम्पिटिशन की लाइटनिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी। या तो ये जो मेरे पास वीडियोस या जो फ़ोटोज़ हैं, अभी तक तो कोई भी क्लियर फ़ोटो या वीडियो नहीं आई है जिससे मैं आपको एनालिसिस करके बता सकूं, लेकिन जितनी भी वीडियोस या फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं, किसी भी फ़ोटो या किसी भी वीडियो के अंदर जो लाइटनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है कि आप हर एक एथलीट को प्रॉपरली देख पाएँ। इस वजह से कोई भी एथलीट को जो जजेस थे उन्होंने जिस लाइटिंग जिस भी कंडीशन में वहाँ देखा, तो वो अलग अलग जजेस ने अपने रिव्यू के हिसाब से देखा होगा। हम किसी भी एथलीट को अभी एनालिसिस करके नहीं बता सकते क्योंकि लाइटनिंग बहुत ख़राब थी। फ़ोटोज़ में एक कोई कुछ ऐसी फ़ोटोज़ है जिसमें कि आपको डिटेलिंग दिख जाएगी कि कौन सा एथलीट कितना कंडीशन था, लेकिन लाइटनिंग ने बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया यहाँ पर, जिससे कि बॉडी बिल्डर्स की जो रैंकिंग है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते थे। लेकिन अगर हम बात करें कि इस कंपटीशन में अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये हुआ कि ये कंपटीशन में जो क्लासिक फिजिक डिवीज़न था, इस डिवीज़न ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेंस फिजिक के बारे में। मेंस फिजिक कैटेगरी कंपटीशन बहुत अच्छा था। इसमें जो जीते हैं, फर्स्ट रैंकिंग लेके आए जोसेफ ली, वो तो डायरेक्टली मिस्टर ओलंपिया 2021 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इस साल वो ओलंपिया स्टेज पर हमें दिखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक वो सामने लेके आए थे, लेकिन आपको मैं उतनी अच्छी पिक्स अभी तो मेरे पास खुद अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन उनकी कंडीशन ऑन पीक थी। अगर आप उनके सोशल मीडिया का देखें तो भी कंडीशन आप देख सकते हैं कि कंडीशन वन डे आउट टू डे आउट कितनी अच्छी थी, जिसकी वजह से वो कंपटीशन जीत पाए। और सबको यही उम्मीद थी कि जोसेफ ली ही जीतेंगे क्योंकि उनकी कंडीशनिंग स्टेज पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वही लग रहे थे, कंडीशन वाइज और अपने मसल माइज वाइज। सेकेंड पोजिशन पर निक आए, थर्ड पोजीशन एंथनी, फोर्थ पोजीशन जॉन सरमेंटो और फिफ्थ पोजीशन एंटोन। ये सारे नए नए एथलीट्स हैं। किसी भी एथलीट का इतना बड़ा नाम नहीं है कि आप लोग उन्हें जानते हो, लेकिन इन सभी के फिजिक और इन सभी के जो मसल मैच्योरिटी में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा ग्रो कर कर एक अच्छे स्टेज तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो जोसेफ ली को कॉन्ग्रेचुलेशन, वो मिस्टर ओलंपिया 2021 के लिए क्वालिफाई कर गए, और देखते हैं कि इस साल वो क्या रैंकिंग लेके आते हैं। अब हम बात करते हैं मेन इवेंट। मेन इवेंट जो कि क्लासिक फिजिक डिवीज़न है, क्लासिक फिजिक डिवीज़न का इंतज़ार बहुत ज़्यादा बेसब्री से किया जा रहा था क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करी थी टेक्सास प्रो के लिए। सबसे पहला नाम जिसे आप या तो सोशल मीडिया स्टार भी मान सकते हैं, बहुत लोग आप इनके फ़ैन होंगे, वो हैं लोगन फ्रैंकलिन। जी हाँ, लोगन फ्रैंकलिन बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ा नाम है क्योंकि वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी फिजिक कैरी करने वाले बॉडी बिल्डर हैं। अगर आप मेरा सेल्फ व्यू मांगे तो क्रिस बम्स्टर्ड के अलावा मुझे कोई भी ऐसा क्लासिक में इतना ज़्यादा, जो एक क्लासिक फिजिक का जिसे कहते हैं ना कि एक अट्रैक्टिवनेस जो होती है, जो अच्छा वैक्यूम कर सके, जिसकी मसल मास अच्छा हो, जिसके ओवरऑल फिजिक कंप्लीट लगे, वो मुझे लोगन फ्रैंकलिन लगते हैं। लेकिन अभी लोगन को उतना ज़्यादा क्रिस बम्स्टर्ड का जो लेवल है मसल मैच्योरिटी मसल डेंसिटी का, वहाँ तक पहुँचने में अभी लोगन फ्रैंकलिन थोड़ा पीछे हैं, इसीलिए शायद टॉप रैंकिंग नहीं ला पाते हैं। ये कंपटीशन बहुत अच्छा था। कंपटीशन सबसे अच्छा इसलिए था क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एथलीट नहीं था जो ऑफ लग रहा हो। इससे पहले टेम्पा प्रो, शिकागो प्रो, उसमें एक में रोली विंकलर ऑफ आ गए थे, दूसरे में एक और एथलीट वो ऑफ आ गए थे, लेकिन ये कंपटीशन ऐसा था, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई भी एथलीट बहुत ज़्यादा ऑफ आया हो या अनकंडीशन आया हो, जिसकी वजह से उसे वैरी करना पड़ रहा हो। सबसे ज़्यादा ख़राब इस शो में सिर्फ यही हुआ, जो बाकी शो में ठीक था, वो है लाइटनिंग। स्टेज की लाइटनिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि जो लाइटनिंग है वही डिफेक्ट करती है कि आपकी आंखें क्या चीज़ देख सकती है। अगर लाइटनिंग अच्छी होगी तो जो मसल मास जो भी एथलीट शो करना चाहता है अपने पोजिंग के दौरान, उसे आप तरीके से देख पाएंगे। लेकिन अगर लाइटनिंग ही सही नहीं है तो आप कैसे इस चीज़ को एडमायर कर पाएंगे कि कौन सा एथलीट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाइटनिंग और टैनिंग ये दो ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिस पर कोई भी एथलीट का काबू नहीं होता। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्पिटिशन करवाते हैं उन्हीं का मेन इशू होता है कि लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर भी अगर हम इसकी बात करें तो जो टॉप टू आए क्लासिक फिजिक में, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। फर्स्ट रैंकिंग जो लेकर आए रॉबर्ट टिम्स, इनकी कंडीशनिंग ने लोगन फ्रैंकलिन को बीट कर दिया। लोगन फ्रैंकलिन सेकंड पोजीशन पे आए, लेकिन इस कंपटीशन को देखने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि लोगन फ्रैंकलिन को गलत हराया है, रॉबर्ट को गलत जिता दिया। रॉबर्ट टिम्स बहुत ज़्यादा डिजर्विंग चैम्प हैं।
उनका सोशल मीडिया अकाउंट ही मिस्टर क्लासिक फिजिक के नाम से है, और वो इस साल मिस्टर क्लासिक फिजिक बनने के लिए 2021 में ओलंपिया स्टेज पे चढ़ेंगे। वो क्वालिफाई कर गए हैं, फर्स्ट रैंकिंग उन्हीं की है, क्योंकि जो कंडीशनिंग, जिस कंडीशन को हर एक एथलीट अपना बेस्ट दिखाने के लिए सोचता है, वही कंडीशन वो अपनी स्टेज पे लेकर आए। जब उनकी पोजिंग चल रही थी, तो जब उन्होंने बैक डबल बाइसेप का पोज हिट किया, तो मुझे उनकी जो बैक की जो डेंसिटी ऑफ मसल है, उसमें मुझे रोनी कोलमैन की याद आ गई थोड़ी थोड़ी सी। लेकिन अभी तो इन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। सेकेंड बात करते हैं लोगन फ्रैंकलिन। बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छी फिजिक्स वो करी, कंडीशन भी ऑन था, लेकिन यही है कि मसल में जो डेंसिटी जिसे कहते हैं ना, कि एक वो हार्डनेस, जो ग्रेनीनेस दिखती है, कि बिल्कुल डीप टिश्यू जिसे कहते हैं हार्ड दिख जाना, वो थोड़ी सी कम दिखी मुझे। लेकिन ओवरऑल बहुत अमेजिंग फिजिक, और आने वाला फ्यूचर क्लासिक फिजिक का बहुत ब्राइट है, इन सबको देखकर कह सकते हैं। और क्लासिक फिजिक बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। लोगन फ्रैंकलिन ने जब वैक्यूम पोज हिट किया, तो क्रिस बम्स्टेड की एक बार याद आ गई। कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा था, थर्ड पोजिशन स्टीव लॉरेंस की, फोर्थ ब्रेंडन विलियम्स की। बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स को कंटिन्यूसली देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यूसली बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स, रिव्यू वीडियोस आती रहती हैं। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।